हेलो हेलो ये 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 जो पब्लिक 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 है। पब्लिक है ये पब्लिक है 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 सब जानती बाबू आजमगढ़ में है आजमगढ़ का मुबारकपुर मुबारकपुर रेशमी साड़ी के लिए जाना जाता है ये वही रेशमी साड़ी है जो आगे जाके बनारसी साड़ी हो जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रेशमी साड़ी को एक नई पहचान मिली है और यहाँ पे एक कारीगर जो रेशमी साड़ी बनाते हैं पहले इनसे बात करते हैं कि एक साड़ी बनाने का आपको कितना रुपए मिलता है पच्चीस रूपए पैंतीस रूपए पच्चीस रुपया पच्चीस रूपए मतलब एक साड़ी आप बनाते हैं तो पच्चीस रुपए मिलता है दिन में कितनी साड़ी आप बना देते है चार्टे लाइन के ऊपर है लाइन के ऊपर है अच्छा जितना देर बिजली रहती है उतना देर आप करते हैं तो आप अकेले कितना लूम मशीन चलाते हैं चार्टे एक व्यक्ति चार लू मशीन चलाता है और एक साड़ी बनाने का आपको पच्चीस रुपये मिलता है एक साड़ी बनाने का इन्हें पच्चीस रुपये मिलता है ऐसे ही मुबारकपुर में हर घर में लू मशीन का कारखाना है और रेशमी साड़ी बनती है जो आगे चल के बनारसी साड़ी हो जाती है पूरे प्रोसेस को समझेंगे इनके मालिक से पूरा काम होता कैसे है रेशमी साड़ी आगे चल के बनारसी साड़ी कैसे हो जाता है बात करेंगे बनाने के पीछे खर्च कैसे आता है क्या खर्च है उसके भी बारे में जानेंगे जानकारी लेंगे अभी हम चलते हैं और कारखाने में और देखते हैं कि रेशमी साड़ी बनती कैसे है मुबारकपुर में है रेशम साड़ी की ये फैक्ट्री है लाल धागे सफेद धागे और ये देखिए ब्लू है और प्रोसेस समझेंगे कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या है रेशमी साड़ी बनारसी कैसे हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे मशीन कैसे लाते हैं कहाँ से लाते हैं और बेचते कैसे हैं आखिर रेशमी साड़ी बनारसी साड़ी कैसे हो जाती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद फ़ायदा क्या है? मिला तमाम कारीगर भी हैं और मालिक भी हैं तो इनसे पहले प्रोसेस समझते हैं प्रोसेस बताइए कि धागा कहाँ से, से, से लाते हैं मशीनें कहाँ से लाते हैं धागा हम लोग मऊ से लाते हैं मऊ तो वहाँ बनता है वहाँ बनता नहीं वहाँ से सूरत से आता है ये धागा अच्छा ये धागा सूरत से आता है तो इसका रेट क्या है रेट जो अभी तो मैक्सिमम रेट सबका बढ़ा हुआ है हाँ। इतना बड़ा हुआ है कि अभी कारगर को समझ लीजिए कि जो हम लोग मंगाते हैं सब पे प्लस सौ रुपया पचास रूपया सब प्लस है बड़ी उदाम की बात बात करेंगे तो ये बताइए आप धागा कलर वाइज मंगाते हैं कि कैसे मंगवाते हैं कलर वाइज मंगाते हैं जैसे ये तो ये धागे आपने पूरे बल्क में है जी और वहाँ पे सूरत से है जी तो आप सूरत से क्यों नहीं मंगवाते सीधे तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सूरत से डायरेक्ट मंगाए यहाँ तो हर घर में होता है ना हर घर में होता है हर लोग ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग महाजन वहाँ पे मऊ में है, तो हाँ। हम लोग लेते हैं। और ये मऊत से हाँ। माजनी करते हैं आपने धागा मंगवा लिया मऊ से सूरत से उसके बाद क्या होता है उसके बाद इसकी तानी बनाई जाती है तानी बनाई जाती है अच्छा ये चरखा एक मिनट भैया भाई साहब आप फटिएगा ये मतलब इस चरखे से कैसे कनेक्ट करते हैं इसको के इस चरखे पे घुमाया जाता है अच्छा इस चरखे पे घुमाया जाता है इसको पे घुमा के इसकी तानी बनाई जाती है और है। तानी का प्रोसर वहाँ पे जाता है ये देख। तानी का कैसे जाता है ये जो तानी बन के पाइप पे लपेटी जाती है लपेट के फिर वहाँ जाती है ये देखिए ऐसे लपेट के रखा हुआ है अच्छा जो ये सब नीचे लगा रखा हाँ ये सब लगा हुआ है ना पीछे तानी सब कौन सा है ये सब तानी लगी हुई है ये सब चरखे से बन के डायरेक्ट मशीन पे आती है इसको आप पहले डिसाइड करते हैं क्या कि अलग अलग धागा कैसे हो हाँ अलग अलग ये कौन सा आइटम किस धागे से चलाना है कैसे बनाना है सारी चीजें हैं ये तो आप यानी डिजाइन पहले ही डिसाइड कर लेते क्या डिजाइन बनना जी 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 डिसाइड तो हम लोग पहले कर लेते कौन सी डिजाइन किस हिसाब से चलानी है हमको अच्छा और ये बताइए कि आप कोई डिज़ाइन बुक है कि मतलब आपके यहाँ का छोटा साट है तो शुरू से चलता है डिजाइन माइंड में सेट है जी जी माइंड में सेट है डिजाइन भी बहुत सारी ऐसी होती है कि व्यापारी खुद बनवाते हैं या है। खुद अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर तो ये होता है कि हम अपने रिस्क पे बनाते हैं सारी चीज़ें अच्छा ये बताइए एक जो साड़ी बनता है जो रेशमी साड़ी बनारसी साड़ी जो भी साड़ी तो उसको बनाने में समय कितना लगता है अब बनाने में समय ये मान के चलिए कि पूरी रात में कारीगर अगर काम करेगा तो रात में प्लस दो से लेकर तीन साड़ी तक बना पाएगा एक साड़ी बनाने का आप कारीगर है जी 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 एक साड़ी बनाने का आपको मिलता कितना है बीस रुपया पच्चीस रुपया चालीस रुपया ऐसे ही मिलता है और रात भर में आप तीन साड़ी बनाते हैं चार हाँ, साड़ी बस तीन साड़ी चार साड़ी यानी सौ रुपए हाँ हाँ बहुत यही है।, है बुनकर यही वजह बुनकर, बुनकर आज के डेट में परेशान है बुनकर के साथ साथ महाजन भी परेशान है वजह ये है कि धागा जो आता था हम लोग को सौ रुपया किलो में आज दो सौ रुपये किलो प्लस हो गया साड़ी का रेट बढ़ा नहीं साड़ी के न बढ़ने की वजह कि कोरोना जब से आ गया तब से साड़ी का एकदम डिमांड ही खत्म हो गया अच्छा, हर इस, चीज़ नई प्रोडक्शन कुछ नहीं बनने के बाद कितने में बिकती है ये साड़ी मान के चलिए कि ये जो बनी हुई है साड़ी है हुँ. ये साड़ी बनेगी आपको दो सौ रुपये में और तो ये बनारसी होते ही दो हज़ार का हो जाता है बनारसी होने के बाद वो दूसरी होती होती है ये पावर लूम है जी तो यही साड़ी आखिर बनारसी पॉलिश होने के बाद बनारसी ये नहीं साड़ी है बनारसी जो मुबारकपुर की साड़ी आती है वो बनारसी ये हम होता है हैंडलूम जो होता है, जो होता है होती। ये हम लोग की साड़ी है अभी ये जाएगी राजस्थान वहाँ पे इसका जैसे जो भी होता है काम तो 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 कराएंगे प्रिंट कराएंगे इसको डेवलप कराएंगे सब कुछ पैकिंग कराएंगे वही सब आपकी दो की साड़ी कितने में हो जाती है मार्केट में आती है तो मार्केट में आ जाएगी तो कम से कम पाँच से लेकर छः सौ तक की आगे वो व्यापारी लोग बेचते हैं उसको बना के अच्छा ठीक है ये बताइए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको स्थान मिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्लेस आने के बाद ए, इसका डिमांड बढ़ा कुछ नहीं बढ़ा इधर कोई डिमांड नहीं बढ़ा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी के बेनिफिट कुछ नहीं कुछ नहीं हम लोगों को तो लु, पावर लूम वालों को कोई बेनिफिट नहीं है भाईजान जी मजदूर बेचारे समझले खा रहे हैं कमा रहे हैं बस इतना ही है कुछ बना नहीं पा रहे तो ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेहतर हुई है उसका इलेक्ट्रिसिटी बेहतर थी लेकिन अभी फिलहाल गड़बड़ चल रही है यहाँ पे कितने दिन से अभी रात ही की पोजीशन देख लीजिए रात में दो बजे एक बजे काट दे रही है भोर में चार बजे पाँच बजे दे रही है ये ठंड में कौन कार्य आएगा का, पाँच बजे भोर में चलाने पाँच साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी का फायदा हुआ कुछ फायदा नहीं हुआ है कुछ भी फायदा नहीं हुआ है बुनकर सर इतना परेशान है बेचारे कि खाली इतना कमाते हैं कि बस अपना पेट पाल सके बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे बुनकर इतना परेशान है बुनकर बुनकर परेशान है सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को होने के बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी कि आप बिना गारंटी लोन ले सकते हैं उसका बेनिफिट हुआ कोई बेनिफिट नहीं हुआ कुछ नहीं हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला जी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद तो मतलब जो आपकी रेशमी साड़ी है उसको पहचान तो मिली ना लेकिन जो पहले से गुमनाम हो गया था जिसे पहचान नहीं मिल पा रही थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद उसे पहचान मिली गवर्नमेंट की पॉलिसी आई मशीनों को लेके तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है बेनिफिट मिला लेकिन ये जो बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए ये कोरोना बाद से सारी चीजें खत्म हो गई कुछ नहीं है सब्सिडी कुछ भी नहीं बुनकर को कोई सब्सिडी नहीं है न बैंक से कुछ है न सरकार से कुछ है कोई सब्सिडी नहीं है अच्छा ये मशीने आप कहाँ से लाते हैं ये मशीन तो हम लोग मऊ से लाते हैं लू मशीन भी जी ठीक है हैदराबाद हैदराबाद है, है। है। बनती है मगर मऊ से जो है इसका प्रोडक्ट आता है ठीक है जी और बाकी यहाँ पे भी लोग हैं उनसे भी कोशिश करते हैं है। है। बात करते है। हैं उनसे भी जानते हैं कि मतलब कितना मुश्किल में है ये लोग कहते हैं कि जो बुनकर है वो बहुत समस्या में है इस समय उसे महंगाई के हिसाब से उसको मतलब नहीं मिला एक यहाँ पे भाई साहब हैं इनसे भी पहले जान लेते हैं कि बात हुआ पाँच साल में इलेक्ट्रिसिटी बेहतर होने की तो क्या लगता है बुनकर क्योंकि ये काम पूरा जो इलेक्टि... वही होना इलेक्ट्रिसिटी पे काम होना है तो इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हुआ नहीं, पहले के पिक्चर तो इलेक्ट्रिसिटी बे बेहतर है लाइट ठीक मिलती है कभी बाई दे वे को, कोई फॉल्ट हो जाए कोई समस्या आ जाए व्यक्तिगत तो हाइडल कॉलोनी पे तो नहीं आती है लेकिन इतना देर काम होगा बेनिफिट तभी मिल है जी जी पहले से बेहतर है पहले से तो तो लाइट नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा तो क्या मानते हैं कि पांच साल में जैसा सरकार का दावा कि हमने बिजली व्यवस्था बेहतर की तो आपको लगता है जी बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है सर और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है हमारी मजदूरी बढ़ा दी जाए हम सेठ से भी आग्रह करते हैं और इनसे भी ये कोशिश करते हैं कि ये भी अपने आगे जो है महाजन से कोशिश करें कि हमारी साड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा रेट में निकले ताकि हमको मजदूरी ज्यादा मिले हाँ, पच्चीस रूपए तो बहुत कम है और आप दिन में सौ ही रूपए कमा रहे हैं जी। तो ये तो लेकिन क्या इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है कि आपको पच्चीस रुपया पचीस रूपए कितने साल हो गए बहुत दिनों से एक नहीं हम ये जो है लूम चलाएंगे हाँ। या उतारेंगे कारीगर जो है तीन हजार रूपए तक कमा पाएगा पूरे महीने में अच्छा पूरे महीने में तीन हजार सौ रुपए पर डे लूम से तीन हजार रुपया पाएगा इससे ज्यादा नहीं पाएगा ठीक है और लोग से भी बात करते हैं इनकी समस्या जानते हैं और क्या समस्या का सामना करना, करना पड़ता है आपको समस्या का सामना यही करना पड़ता है कि सेठ लोग मजदूरी नहीं बढ़ाते हैं और वो लोग कैसे मजदूरी बढ़ाएंगे जब आप उनका प्रोडक्ट जो है कि बढ़ा कर नहीं बिका बिकेगा तो कैसे वो लोग मजदूरी बढ़ाएंगे लेकिन हम लोग तो मज़दूर हैं रात में सौ रुपये का काम करते हैं पूरी रात में तो अपना अपना पेट नहीं चल पाता है बच्चों लोग का कैसे पेट पालेंगे तो सरकार से यही आग्रह है कि हम लोग का प्रोडक्ट पर भी कुछ ध्यान दें और जो समस्या हमारी है वो सुने ठीक है, है ए, मैं उधर भाई साहब से चाहूंगा कि एक मशीन चालू कैसे होता है शुरू कैसे होता है वो प्रोसेस करके दिखा कि ये मशीन इसको एक बार बताइए चालू कैसे होता है काम शुरू कैसे होता है पहले आप बताते जाइएगा जी काम जो है हाँ। ये यहाँ से जो है इसको पावर मिलेगा ऐसे हाँ। ही जो है चालू होता है चालू कर दे पूरा हाँ। देखिए ऐसे ऐसे ये चलेगा ही हाथ से चलाना नहीं 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 छोड़ दिए ये पीछे क्या चल रहा है ये इसको कटला हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन इसको कटला बोलते हैं देखिए वो जो है है ये नरी लगी हुई है इसमें अच्छा ये। ना वो नो खत्म हो तो उसको चेंज कर देना पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है जी। अच्छा तो एक साथ ऐसा भी होता होगा कि एक साड़ी पचीस रुपए मिलता है तो एक साथ आप तीन चार मशीन तो चला सकते हैं ना जी 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 चाहे एक कारीगर चार मशीन चला सकता है इस मेल को ये जो फैंसी लगी हुई है इसको चार मशीन चला सकता है मतलब एक कारीगर अगर चाहे तो अपने आसपास के दो चार मशीन चला सकते जी 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 चला सकते हैं तो है। जी ठीक है। तो अगर ये जो सफेद साड़ी है कब तक मतलब कितने देर में बनेगी ऐसे मेरे ख्याल से लगभग तीन घंटा साढ़े तीन घंटा एक तो साड़ी आपको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा जी हाँ। मतलब थोड़ा बहुत पीछे भी जा सकते हैं आगे भी जा सकते हैं और ये उसको देखना भी पड़ेगा कि धागा खत्म नहीं होगा जी ठीक है तो ये हम मुबारकपुर में थे एक साड़ी की फैक्ट्री रेशमी साड़ी की फैक्ट्री थी यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे इनकी समस्या का है ये काम कैसे होता है और हमने देखा इनके बुनकरों के सामने समस्या भी है लेकिन कैसे खूबसूरती से काम करते हैं यही जो साड़ी है रेशमी साड़ी जिसको कहते हैं पॉलिश होने के बाद और सजने के बाद माड़ी डालने के बाद बनारसी साड़ी हो जाती है कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी मुबारकपुर आजमगढ़